राशि सक्सेना फ्रेंड्स, आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे इन आर्टिफिशियल हेयर में कि किस तरह से हम घर बैठे पॉनीटेल के द्वारा हेयर ट्रिमिंग कर सकते हैं। और आजकल बड़ी प्रॉब्लम है कि पार्लर सैलून सभी बंद हैं और मार्केट में शॉप्स वगैरह सभी बंद हैं, तो लॉकडाउन के कारण आप घर बैठे अपने आसानी से हेयर ट्रिमिंग कर सकते हैं। और ये हेयर ट्रिमिंग कितने भी लॉन्ग हेयर है, किसी भी तरह के हैं, शॉर्ट हैं, करने का तरीका वही रहेगा। आप देखिए किस तरह से हम करते हैं। ये हेयर है और इन हेयर में देखिए वाटर स्प्रे हम कर रहे हैं। घर बैठे आप करेंगे तो घर पर अगर ये वाटर स्प्रेयर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप हल्के से गीले बालों में इस तरह से करेंगे कि टैंगल रिमूव करेंगे। सबसे पहले हेयर को सुलझाने का काम जैसा कि हम बताते हैं हर हेयर कटिंग में सबसे पहले हम करते हैं। और हेयर टैंगल रिमूव करने के बाद में देखिए सारे हेयर को हम इस तरह से कॉम करेंगे। और कॉम करने के बाद में देखिए धीरे धीरे सारे हेयर को हम क्राउन एरिया पर लेकर जाएंगे। ये देखिए सारे हेयर को क्राउन एरिया, ये आर्टिफिशियल हेयर है और हम इस तरह से बता रहे हैं, तो आप देखिए इनका क्राउन एरिया ये है, ये वाला, तो हम यहां से लेकर 180 डिग्री तक लेकर जाएंगे। और एक घरेलू बात हम बताते हैं कि घरेलू स्टाइल में ये है कि हम सारे हेयर को ऊपर लेकर गए, कॉम करते हुए हम ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद में देखिए ये देखिए ये हम ऊपर लेकर गए और उसके बाद में फिर हम रबर बैंड लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है सेल्फ हेयर ट्रिमिंग का। ये देखिए सारे हेयर को हम ऊपर लेकर आए हैं और इस तरह से हमने रबर बैंड के द्वारा पौनी बना ली। आपको दिखाई दे रहा है? और ये पौनी बनाने के बाद देखिए आप कि सारे हेयर छोटे बड़े जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम उनका ट्रिम कर देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी मेथड में आप घर बैठे अपने हेयर को ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये हमने रबर बैंड लगाई सारे हेयर को ऊपर ले जाकर और अब देखिए हमको जो छोटे बड़े हेयर दिखाई दे रहे हैं उसका हम करेंगे। ये देखिए अगर स्ट्रेट हेयर में है तो फिर स्ट्रेट हेयर में हम कर देंगे, वी शेप में है तो वी शेप में कर देंगे। ये देखिए पहले हम स्ट्रेट हेयर में करेंगे। ये देखिए इन हेयर का हम कट करेंगे, हमको ट्रिमिंग करनी है इसलिए बहुत ज्यादा हेयर शॉर्ट नहीं करेंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से इक्वल हो गए हेयर और बहुत ही अच्छा लुक आ गया। कोई टाइम भी नहीं लगा, 5 मिनट में सारे हेयर की ट्रिमिंग हो गई। आप घर बैठे करिए और हमको बताइए कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इस तरह से हम चेक करेंगे और अगर जो छोटे बड़े हेयर दिख रहे हैं तो फिनिशिंग हम देंगे। ये देखिए देखिए आप कितना अच्छा लुक आया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से घर बैठे आप पॉनीटेल बनाकर फिर आप हेयर ट्रिमिंग कर दीजिए। जितना हेयर को शॉर्ट करना करिए, स्ट्रेट हेयर कटिंग पूरी आएगी अच्छे से। विश्वास है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा
कि पोनी के द्वारा हम हेयर ट्रिमिंग घर बैठे किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए काम के साथ, नए अंदाज के साथ और नए आपके सजेशन के साथ में। आप कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, हम तो जिसका वेट रहता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।